दोस्तों, द ग्रेट थॉट्स चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर। विश्व स्तर पर वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होना कितना लाभदायक है के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। और अगला है दोस्तों, हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2022 के 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगला है दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो इसका आंसर है मुंबई और गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। और अगला है दोस्तों, वैश्विक नवप्रवर्तन तालिका के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 40वां। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ताज़ा वैश्विक नवप्रवर्तन तालिका में भारत को 40वां स्थान मिला। इससे पहले भारत 46वें स्थान पर था। और अगला है दोस्तों, किस राज्य ने 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। और अगला है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन गरुण। सीबीआई ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए हाल ही में ऑपरेशन गरुण की शुरुआत की। और अगला है दोस्तों, किस राज्य को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंसीधर तिवारी जी ने प्राप्त किया। और अगला है दोस्तों, किस खनन कंपनी ने वर्ष 2030 तक 2.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है वेदांता लिमिटेड। देश की खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा स्रोत को 1 गीगावाट तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसको लेकर कंपनी ने अतिरिक्त 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।